हेलो यून, लेखपाल के 7,882 पदों के फॉर्म्स को लेकर, इसके एग्जाम्स को लेकर और सिलेबस को लेकर, साथ ही UP SSC का PT का रिजल्ट कब आ रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, एक सटीक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों की प्रिपरेशन को यहाँ पर एक सही आधार देगा। लेखपाल के एग्जाम को लेकर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि लेखपाल के यहाँ पर बहुत ही जल्दी हम यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर एक संदर्भित यहाँ पर एक बैच ओपन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो जानकारी ये है कि लेखपाल पदों की जो भर्ती है यहाँ पर 7,882 पदों की, वो यहाँ पर आपको सितंबर में आने वाली है। ध्यान रखिएगा, सितंबर में इसके फॉर्म बहुत जल्दी आपको आने वाले हैं। सेकंड थर्ड वीक तक आपको इस सितंबर में यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं आपके फॉर्म आने वाले हैं 7,882 पदों के। और ये जैसे ही यहाँ पर देखिए UP SSC का PT के आंसर की आप सभी को मिल चुकी है, एक अंदाज़ा आप सभी को लग चुका होगा, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पर दो चीज़ें जान लेनी है, समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि देखिए लेखपाल के जो पद हैं 7,882 पदों का, उसका फॉर्म आएगा तो उसका सिलेबस में क्योंकि कुछ चेंजेस होने की बात चल रही है। सिलेबस में क्या चेंजेस होंगे वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस की बात चल रही है UP SSC के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और जो बातें उन्होंने कही हैं उसके अकॉर्डिंग, बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ वो क्लियर करने वाले हैं कि वो चीज़ें सही हैं या नहीं है। लेकिन जो बातें समझ में आ रही हैं कि UP SSC PT के बाद लेखपाल के पदों के भर्ती के लिए तो आपको फॉर्म और उसके साथ साथ उसके सिलेबस में क्या चेंजेस होंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझ लेनी जरूरी हैं। पहला कि लेखपाल का फॉर्म कौन भर पाने वाला है, क्योंकि UP SSC PT का आंसर की आ चुकी है। आंसर की के बाद हम सब वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, और रिजल्ट जो होता है आपको सितंबर का, देखिए पहला वीक यहाँ पर आपको बीत चुका है, सेकंड वीक ऑलरेडी हम यहाँ पर चल रहा है, और सेकंड वीक में जो देखा जाए यहाँ पर आपको सेकंड वीक या थर्ड वीक में आपके आपको रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आते ही लेखपाल के फॉर्म यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें लेखपाल के आपके पदों के लिए यहाँ पर जो लेटेस्ट जानकारी है, यहाँ पर एक तरफ आपका रिजल्ट आने वाला है UP SSC PT का, रिजल्ट आपको सेप्टेम्बर में आएगा, सेप्टेम्बर के मे भी जहाँ तक है थर्ड वीक में बहुत हुआ तो थर्ड वीक में मे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, और यहीं के साथ साथ थर्ड या फोर्थ वीक में, ठीक है, लेखपाल के 7,882 पदों का जो फॉर्म है नोटिफिकेशन भी हैं वो भी हो सकता है आपको थर्ड या फोर्थ वीक में यहां पर आ जाएंगे। चांसेस बहुत ज्यादा क्योंकि सेकंड वीक ऑलरेडी रन पे है, तो बहुत चांसेस हैं आपको सेकंड थर्ड या फोर्थ वीक में दोनों ही चीजें आपको हो जाएंगी। सितंबर की तैयारी रखिएगा बच्चों, क्योंकि समय ज्यादा रहेगा नहीं, क्योंकि यदि आपका फॉर्म आ गया है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फॉर्म आने के बाद एग्जाम होगा, जल्दी कंडक्ट कराने के चांसेस होंगे, और इसके लिए शायद ही आपको 1.5 या 2 महीने का, इससे या फिर 1 महीने का ही आपको समय मिलेगा। जो मिनिमम फॉर्म्स की अगर हम देखें जो एग्जाम ले रहे हैं वो 2 महीने का होता है, तो अगर हम इस हिसाब से मान के चलते हैं अगर सितंबर में आपका फॉर्म आ गया तो लेखपाल के जो आपके एग्जाम होने होंगे, लेखपाल के जो आपके एग्जाम होंगे वो मे भी यहाँ पर आपको अक्टूबर नवंबर या आपको स्टार्टिंग दिसंबर में हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में हो सकते हैं एग्जाम। 2 महीने का अगर हम गैप मान के चलें तो 2 महीने में आपके एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें तैयारी अच्छी रखनी है कि 2 महीने में हमें अपनी पूरी लेखपाल की यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए पूरा एक फुल ऑन कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे, इसकी डिटेलिंग आपको जल्दी एक वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप सभी के लिए हमारे साथ जुड़ करके एक अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम इस साल क्लियर करना है। हमारा जो संकल्प है अभ्यर्थी से अधिकारी बनने का, ये हर एक बैचेस के लिए है कि इस साल हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। तो दूसरी यहाँ पे जानकारी देखिए, ध्यान रखिएगा रिजल्ट आपको बहुत जल्दी आएगा, सितंबर हो सकता है थर्ड वीक तक, फॉर्म हो सकता है फोर्थ वीक तक आ जाए या थर्ड वीक में भी आ सकता है, सितंबर में दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर कट ऑफ कितना जा सकता है, कि कौन से बच्चे तैयारी करेंगे, और अगर लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है क्या उसमें कोई सिलेबस चेंज होने की बात चल रही है क्या, तो दो चीज़ें यहाँ पर सुनने को आ रही है। सबसे पहले पीटी कट ऑफ, कट ऑफ के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेखपाल के लिए स्पेशली यहाँ पर कट ऑफ हो सकती है थोड़ी सी ज़्यादा आपको हाई रहे, लेकिन हाई का मतलब क्या है, हाई का मतलब है ऐसे बच्चे, पीटी का कट ऑफ कितना जाएगा, पीटी का कट ऑफ अगर आपका ध्यान रखेगा जो भी बच्चे यहाँ पर, अगर आप 55 से 65 हैं या फिर 50 से 60 हैं, ठीक है, मिनिमम मान के चलिए 50 से मैं मान के चलता हूँ कि 50% से ज़्यादा कट ऑफ किसी में आपको जाने की संभावना बहुत ही कम है, कि मिनिमम अगर आपने 50% स्कोर कर लिया है, 50+ हो, 55, 60, 65 उससे ऊपर भी है, तो आप यहां पर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। 50+ कट ऑफ वाले लेखपाल के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, 55 है 60 है तो ऑलरेडी आप क्वालिफाइड हो, 60+ है तो ऑलरेडी आप यहां पे क्वालिफाइड हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पे 7,882 पदों की भर्ती के लिए अगर आपने 50+ स्कोर कर रखा है, 55 है या 65 है, बहुत चांसेस 55+ जाएगा,
तो यहाँ पर लेकिन 50 मैं मान के चलता हूँ, और बाकी अगर आपका स्कोर, क्योंकि जितने बच्चे ने इन्फॉर्मेशन दी है, ज़्यादातर जो बच्चों का क्राइटेरिया है, ज़्यादातर जिन्होंने पता है स्कोर हुआ है, वो 55 to 65 हुए हैं। 55 से 65 बहुत एक बड़ा परसेंटेज हुआ है, 55 से 65 बच्चों का हुआ है। और इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कट ऑफ हो सकती है, कट ऑफ देखिए हम निर्धारित नहीं करते हैं या बोर्ड निर्धारित कैसे करता है, जैसा बच्चों का एग्जाम गया होगा, ठीक है। एक बड़ा परसेंटेज जहाँ पर जिस वर्ग के बीच आता है, कट ऑफ मोस्टली वहीं तक जाती है। और एक बड़ा वर्ग इस बार अगर देखा जाए इस एग्जाम के लिए तो 55 से 65 है, 55 से 65 यहाँ पे एक बड़े वर्ग का कट ऑफ आ रहा है। और इसीलिए यहाँ पे आपकी मेरिट भी हो सकती है, पीटी की कट ऑफ जो निकलेगी वो 55 से 65 तक जाएगी। अगर इतना आपने स्कोर कर रखा है तो आप आराम से यहाँ पर लेखपाल के पदों की भर्ती के लिए तैयार हो जाइए। एग्जाम आ गया है, मतलब एग्जाम की तैयारी करना आप शुरू कर सकते हैं। अब एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक क्वेश्चन और आता है, क्या कोई सिलेबस में चेंज होगा, क्या क्या ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? तो एक जो इन्फॉर्मेशन आई, क्या बाकी कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐड करने की बात चल रही है, ठीक है। यहां यह सुनने में आ रहा है, अब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली इस पद के लिए शायद इसकी जरूरत इतनी होती नहीं है, लेकिन इस बार यह सुनने को आ रहा है थोड़ा सा यहां पे इंग्लिश को ऐड करने की बात चल रही है, कि अंग्रेजी भाषा को इसमें ऐड किया जाए, क्या अंग्रेजी के चीजों को यहां पर ऐड किया जाएगा, और कुछ क्या सिलेबस में अन्य चीजें भी ऐड या हटाई जा सकती है, ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, बातें चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपका सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। जो पहले आपका सिलेबस रहा है वही आपको पढ़ना है, वही ग्रामीण परिवेश, वही जीके, वही सारी चीजें आपको पढ़नी है। एक्स्ट्रा अगर चीजें इसमें ऐड हो सकती तो मे भी आपको इसमें इंग्लिश के चांसेस हैं, जो सुनने में आया है कि इंग्लिश में भी यहां पर थोड़ा बहुत आपको पूछी जाती है, इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें ऐड किए जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई चेंजेस की यहां पर बात नहीं चल रही है। तो बाकी हक देखिए, अगर इंग्लिश का होगा नहीं होगा इसके उधेड़ बुन में हमें बैठना नहीं है, हमें अपनी क्या करनी है, प्रिपरेशन शुरू कर दें, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप तैयारी यहाँ पर आप शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, हम 2-3 महीने अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक रिवीजन कोर्स हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लेखपाल के लिए, ठीक है। बहुत जल्दी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेखपाल का एक रिवीजन बैच हम लेकर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी पूरी जो वहाँ पर स्टडी कराई जाएगी बहुत ही जल्दी, क्विक रिवीजन के माध्यम से। कोशिश करेंगे कि 60 दिन में, क्योंकि कोर्सेज आपका बैच आने के बाद आपको रिवीजन का जो समय मिलेगा 45 से 60 दिन में पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे। तो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पर आपका फॉर्म, यहाँ पर 2 महीने में आपका ही पूरा कोर्स कराएंगे। एक लेखपाल बैच हम ओपन कर देंगे, लेखपाल बैच यहाँ पर ओपन करेंगे, इसकी फीस बहुत ही कम रखी जाएगी, पेड ग्रुप होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपकी सारी कोर्सेज मेरे दिशा निर्देशन में आप तक यहाँ पर पहुँचाई जाएंगी, और आपकी सारी समस्याओं को मैं खुद यहाँ पर सुनूंगा। यदि आपके कोई सजेशन हो तो आप जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर आप तैयारी शुरू कर दीजिए, इसके बारे में डिटेलिंग जो होगी आपकी डिटेल एक वीडियो यहाँ पर लेकर आया जाएगा। यहाँ पर एडमिशन आपका कब ओपन हो रहा है, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। एडमिशन ओपन बहुत जल्दी हम करने वाले हैं, तो आप सभी तैयार हो जाइए हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेखपाल बैच के लिए सभी अभ्यर्थी जल्दी से जुड़ जाइए तैयारी करने के लिए, और ज़्यादा अपना समय यहाँ पर गवाना नहीं है। बाकी मैं हूँ यहाँ पर आपके साथ, एक संकल्प यहाँ पर लेना है, इस साल हमें अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर तय करना है, लेखपाल यहाँ पर हमें पद पे प्राप्त करने हैं। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही बच्चों, जल्दी से यहाँ पर लग जाइए तैयारी करने के लिए। बाकी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, कोई भी जानकारी होती है, बैचेस होते हैं, स्टडी से रिलेटेड मटेरियल आता है, हम सब आपको लेकर आएंगे। आजाद यूपीएससी अकेडमी के साथ आप जरूर जुड़िए। बाकी यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम प्रेप विद रावेन सर के साथ जुड़ जाइए, जहाँ पर बाकी अन्य जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, गुड लक।